बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, ये सीक्वेंसेस के ऊपर हमारा लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 को हम कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास, एक थ्योरम हमने देख लिया था। नेक्स्ट थ्योरम है, इसे हम बोलते हैं स्क्वीज थ्योरम। स्क्वीज थ्योरम भी इसका नाम है, और इसका सैंडविच थ्योरम भी इसका नाम है। थ्योरम ये कहता है कि फर्ज करें हमारे पास यहाँ पे 3 सीक्वेंसेस हैं। एक सीक्वेंस ए एन है और एक सीक्वेंस बी एन है, एंड सी एन। हमारे पास 3 सीक्वेंसेस हैं। सपोज वी हैव दीज 3 सीक्वेंसेस सच डैट, और इनके दरम्यान रिलेशन ये है कि ए एन इज लेस आर इक्वल टू बी एन इज लेस आर इक्वल टू सी एन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन कैपिटल एन। किसी नेचुरल नंबर के बाद इसके जो जितनी भी टर्म्स हैं उनके दरम्यान ये रिलेशन मौजूद है। इवेंचुअली हम ये कह सकते हैं कि ये इनकी जो टर्म्स हैं इनके दरम्यान ये रिलेशन मौजूद हो। एंड अगर ये जो हमारे पास ए एन है और सी एन, इनकी लिमिट सेम आ जाएगी किसी पॉइंट के ऊपर, तो फिर बी एन की लिमिट भी वही होगी जो इनकी लिमिट आएगी। फर्ज करें हम स्मॉल ए के ऊपर इनकी लिमिट फाइंड आउट करते हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, ए एन जो है वो एल के इक्वल है, एंड लिमिट एक्स यहाँ पे एन, एन यूज करेंगे यहाँ पे, जो कि एन यूज हो रहा है, एन अप्रोचेस टू ए, यहाँ भी एन अप्रोचेस टू ए सी एन, ये भी फर्ज करो एल के इक्वल है। अगर ये दोनों एल के इक्वल है, जो इसकी लोअर जो हमारे पास बाउंड है ए एन और जो अपर बाउंड है सी एन, इन दोनों की लिमिट अगर हमारे पास एल के इक्वल आ जाती है, देन हम ये कह सकते हैं कि लिमिट एन अप्रोचेस टू ए, उसी पॉइंट के ऊपर अगर हम लिमिट बी एन की फाइंड आउट करेंगे तो वो भी एल के इक्वल होगी। ये थ्योरम ये कहता है। अब आप इसको लिमिट्स एट इन्फिनिटी भी ले जाएं, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी के लिए फाइंड आउट करें। अगर लिमिट एट इन्फिनिटी ए एन किसी नंबर के इक्वल है, और वही नंबर हमारे पास मिलता है जब हम लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी सी एन की फाइंड आउट करते हैं, तो फिर लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी बी एन की वैल्यू भी वही आएगी, और ये भी कन्वर्ज करेगी। अगर ये दोनों कन्वर्ज करती हैं और एक एक ही नंबर को कन्वर्ज करती हैं, तो यहाँ पे जो बी एन होगा ये भी कन्वर्ज करेगा। ये हमारा सैंडविच थ्योरम कहता है, और इसके ज़रिए आपको याद होगा कि हमने एक बड़ा वेल नोन रिजल्ट भी प्रूव किया था एफएससी के अंदर, आप उसको रिकॉल कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद बच्चों हमारे पास एक थ्योरम है, थ्योरम नंबर 3 फॉर ज्योमेट्रिक सीक्वेंसेस। ज्योमेट्रिक सीक्वेंसेस वो हैं जिनके अंदर हम एक ही नंबर को मज़ीद मल्टीप्लाई करके, उसी को बार बार मल्टीप्लाई करके हम पावर्स में आके जो टर्म्स हैं वो बना रहे हैं। जैसे 2 है फर्स्ट टर्म, एक हमारे पास एक सीक्वेंस है जिसकी फर्स्ट टर्म 2 है, फिर इसकी ये हमने पावर 2 ले ली तो यहाँ पे 4 आ गया, 2 की पावर 3 ली तो 8 आ गया, 2 की पावर 4 ली तो 16 आ गया, 2 की पावर 5 ली तो 32, अप टू सो ऑन। तो ये हमारे पास एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। तो यहाँ पे एक ही नंबर को बार बार मल्टीप्लाई किया जा रहा है, जिसे हम बोलते हैं कॉमन रेशियो। यानी अगर आप सेकेंड टर्म को फर्स्ट पे डिवाइड करके देखें, 4/2 करें तो ये 2 आएगा, थर्ड को सेकेंड पे डिवाइड करें 8/4 तो ये भी 2 आएगा, 16/8 करें तो ये भी 2 आएगा। तो ये जो हमारे पास कॉमन नंबर आ रहा है यहाँ पे, इसे हम बोलते हैं कॉमन रेशियो, और इसको हम आर से डिनोट करते हैं। यहाँ पे आर 2 है, तो 2 की पावर्स लेने से ये सारी सीक्वेंस जनरेट हुई है, तो यहाँ पे जो कॉमन रेशियो होगी वो आर इज इक्वल टू 2 होगी। ऐसी सीक्वेंसेस के लिए, उनकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस बताने के लिए हमारे पास थ्योरम मौजूद है फॉर ज्योमेट्रिक सीक्वेंसेस।
अगर फर्ज करो हमारे पास एक सीक्वेंस है आर एन की फॉर्म में, फॉर दिस सीक्वेंस, अगर हमारे पास सीक्वेंस है आर एन की फॉर्म में एन इज इक्वल टू 0 to infinity, तो ये जो सीक्वेंस होगी ये कन्वर्ज करेगी, कन्वर्जेस फॉर -1 इज लेस देन आर इज लेस आर इक्वल टू 1। यानी अगर ये जो आपका आर है यहाँ पे, जैसे R2 था, अगर R -1 से बड़ा और 1 या 1 से छोटा होगा, -1 के इक्वल नहीं, -1 से बड़ा हो और 1 या 1 से छोटा हो, देन ये कन्वर्ज करेगी, कन्वर्ज करेगी। एंड डाइवर्जेस फॉर ऑल अदर वैल्यूज, इसके अलावा जितनी वैल्यूज होंगी उनके लिए ये सीक्वेंस डाइवर्ज करेगी। अब ये जो इसकी जो लिमिट होगी बच्चों, हमारे पास लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी आर की पावर एन, इसकी जो लिमिट होगी ये इक्वल आएगी 0 के, अगर -1 इज लेस देन आर इज लेस देन 1। अगर आर -1 और 1 के दरमियान का कोई नंबर हुआ तो इसकी लिमिट 0 आ जाएगी, और अगर ये आर 1 के इक्वल हुआ, अगर आर 1 के इक्वल हुआ तो 1 की पावर कोई भी नंबर ले लें तो उसकी जो लिमिट होगी वो तो 1 रहेगा खुद, तो वो तो कांस्टेंट नंबर है, उस पर आप लिमिट लगाएंगे तो वो भी 1 आ जाएगा, तो इसका मतलब है ये 1 के इक्वल आ जाएगा। तो अगर आर 1 है तो फिर भी इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है एक फाइनाइट और यूनिक नंबर, और अगर यहाँ पे आर जो है -1 और 1 के दरमियान का कोई नंबर है, फिर भी लिमिट हमारे पास एग्जिस्ट कर रही है 0। इसके अलावा अगर हम कोई बड़ा नंबर लेते हैं तो उसकी लिमिट जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगी, और अगर इसे छोटा नंबर लेते हैं तो वो अल्टरनेट करना शुरू कर देगी। तो इसलिए यहाँ पे आप लोग ये याद रखेंगे कि अगर आर -1 से बड़ा और 1 या 1 से छोटा हुआ तो देन वो हमारे पास जो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होगी वो कन्वर्ज करेगी। इसके अलावा जितनी भी आर की वैल्यूज हैं उन सब के लिए वो डाइवर्ज करेगी। यहाँ पे आप बहुत सारी एग्जांपल्स खुद से बना सकते हैं। फर्ज करें आपके पास एक सीक्वेंस है 2 की पावर n। अब इस सीक्वेंस को देखें, यहाँ पे आपके पास आर कितना है, आर इज इक्वल टू 2 विच इज ग्रेटर देन 1। हमने कहा था -1 और 1 के दरमियान हो या 1 के इक्वल हो, ये तो 1 से बड़ा है, इसका मतलब है हम यहाँ पे लिखेंगे कि ये सीक्वेंस डाइवर्जेंट है। इसी तरह आप खुद से बहुत सारे एग्जाम्पल्स बना सकते हैं। आप यहाँ पे लिखें 1/2 की पावर n, ये आपके पास एक सीक्वेंस है, यहाँ पे ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, यहाँ पे आर कितना, यानी इस फॉर्म में ये मौजूद है आपके पास, आर की पावर एन की फॉर्म में मौजूद है। आर यहाँ पे कितना है बच्चों, 1/2, और 1/2 -1 और 1 के दरमियान का नंबर है, इसका मतलब ये होगा कि आपकी जो कंडीशन थी वो सेटिस्फाई हो रही है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। तो इस थ्योरम को यूज़ करते हुए आप 3 की पावर n लिख लें, आप इसी तरह से 1/8 की पावर n+1 लिख लें। ये जितनी भी इस तरह की सीक्वेंसेस हैं ये सारी की सारी देखने के लिए आपके, ये सारी की सारी ज्योमेट्रिक सीक्वेंसेस हैं, तो इनको देखने के लिए आप आर की वैल्यू देखेंगे। अगर आर की वैल्यू -1 और 1 या 1 के दरमियान हुई, यानी -1 से बड़ी और 1 हुई या 1 से छोटी हुई, तो फिर तो ये जो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होगी ये कन्वर्ज करेगी, अदरवाइज ये डाइवर्ज करेगी। इस थ्योरम को अपने बड़ी अच्छी तरह याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। उसके बाद बच्चों हम अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स पे बात करते हैं। अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स ऑफ सीक्वेंसेस, यानी अगर हमारे पास दो सीक्वेंसेस हैं और उन दोनों के nth टर्म को हम ऐड करके उसके ऊपर लिमिट अप्लाई करते हैं, तो क्या उनके उनके बारे में हम क्या कहेंगे, उसकी लिमिट कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसके बारे में जानते हैं। ये बातें आप पहले कई दफ़ा कर चुके होंगे कि लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, अगर हमारे पास ए एन प्लस
प्लस और माइनस बी एन आता है, ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, पहले ए एन पे लिमिट अप्लाई हो जाएगी और यहाँ पे प्लस या माइनस जो भी आएगा वो बाद में आ जाएगा, प्लस या माइनस और लिमिट अप्लाई हो जाएगी बी एन के ऊपर भी, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी बी एन। और ये हम बात कर रहे हैं फॉर टू सीक्वेंसेस ए एन और बी एन। इसी तरह अगर हम मल्टीप्लिकेशन की बात करें या स्केलर मल्टीप्लिकेशन की बात करें, लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, कोई स्केलर नंबर सी मल्टीप्लाई हो गया ए एन के साथ तो उसकी हम अगर हमने लिमिट फाइंड आउट करनी है तो सी लिमिट से बाहर आ जाएगा और लिमिट हम फाइंड आउट करेंगे लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी ए एन, इसकी जो वैल्यू आएगी उसको हम सी से मल्टीप्लाई करेंगे और वो इस लिमिट की वैल्यू होगी। इसी तरह थर्ड नंबर पे हमारे पास है लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू एन टर्म्स ऑफ टू सीक्वेंसेस ए एन एंड बी एन, ये जस्ट किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी ए एन मल्टीप्लाइड बाई लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी बी एन। फोर्थ नंबर पे हमारे पास है लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी क्वेश्चन के लिए क्या होगा, ए एन ओवर बी एन अगर आ जाता है तो ये इक्वल होगा लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी ए एन ओवर लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी बी एन। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है, पहली कंडीशन तो यह है कि बी एन खुद जीरो ना हो, ये जो बी एन है ये जीरो ना हो, एंथ टर्म ऑफ दिस जो सेकेंड टर्म सेकेंड सीक्वेंस है हमारे पास उसकी एंथ टर्म जीरो ना हो। दूसरी बात यह है कि लिमिट अप्लाई करके भी अगर हम लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी बी एन फाइंड आउट करते हैं तो वो भी जीरो ना आए। ये दो कंडीशंस अगर आपके पास मौजूद हैं तो फिर क्वेश्चन को आप इस तरह से यूज कर सकते हैं, लिमिट ए एन के ऊपर अलग से लग जाएगी और लिमिट बी एन के ऊपर अलग से लग जाएगी। अगर इनमें से कोई एक कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं है आपके पास तो फिर आप इसको इस तरह से नहीं लिख सकते। इसी तरह फिफ्थ नंबर में हमारे पास है लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन की पावर पी, हमारे पास एंथ टर्म है और उसकी पावर पी है तो क्या ये लिमिट पावर के अंदर जाके अप्लाई हो सकती है, हो सकती है लेकिन उसके लिए कंडीशन होगी हमारे पास, ये इक्वल होगा लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन होल टू द पावर पी के। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है कि जो आपके पास ए एन है एंथ टर्म ऑफ द सीक्वेंस ये नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। यहां पे हमारे पास क्या कंडीशन है, इफ ए एन इज ग्रेटर और इक्वल टू जीरो, लेस देन जीरो ना हो, जीरो हो या जीरो से बड़ी हो तो फिर हमारे पास जो लिमिट होगी वो पावर के अंदर जाके अप्लाई हो सकती है, अदरवाइज हम इसको पावर के अंदर ले जाके अप्लाई नहीं कर सकते। ये आपने जो कंडीशन और ये जो इसकी प्रॉपर्टीज हैं ये आपने याद रखनी है, समेशन हो रहा है या स्केलर मल्टीप्लिकेशन या फिर प्रोडक्ट है और क्वोशंट है और अगर हमारे पास पावर पी है तो इसके अंदर हम लिमिट जाके अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो इन प्रॉपर्टीज़ का आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने ये फाइंड आउट करनी हुई, इसकी लिमिट फाइंड आउट करनी हुई तो आप क्या करेंगे, आप इन दोनों पे अलग अलग लिमिट अप्लाई करेंगे, अगर ये दोनों फाइनाइट और यूनिक हुई आंसर आपके पास एक एग्जैक्ट कोई नंबर आंसर आ गया, एक फाइनाइट और यूनिक नंबर आंसर आ गया इनको सॉल्व करने के बाद, तो आप कहेंगे कि ये जो सीक्वेंस हमारे पास नई सीक्वेंस बनी है ए एन प्लस बी एन ये कन्वर्ज करती है। अगर ये आपके पास कोई इन्फिनिट नंबर आ गया या कोई ऐसा नंबर आ गया जो ऑसिलेशंस दे रहा है हमें तो उस वक्त हम कहेंगे कि क्योंकि इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही तो इसलिए हमारे पास जो सीक्वेंस है वो डाइवर्जेंट है। उसके बाद बच्चों कुछ डेफिनेशंस हैं हमारे पास इंक्रीजिंग सीक्वेंस कौन सी होती है, देखिए हमारे पास एक सीक्वेंस है जिसकी टर्म्स हैं ए वन ए टू ए थ्री ए फोर ए फाइव इस तरह से अप टू सो ऑन ए एन आ जाएगा, ए एन के बाद क्या आएगा ए एन प्लस वन, इसके सबस्क्रिप्ट के अंदर जो इसका इंडेक्स है यहाँ पे
इंडेक्स 4 था, यहाँ पे इसका इंडेक्स 5 है, यहाँ पे n है, यहाँ पे n प्लस 1। ये आपने याद रखना है कि जो ए एन प्लस वन है ये इसका सबस्क्रिप्ट है, इसका इंडेक्स है। इट इज़ नॉट इक्वल टू ए एन प्लस वन, ये nth टर्म में वन ऐड नहीं हो रहा, ये उसका जो इंडेक्स है उसमें वन ऐड हो। जैसे यहाँ पे फोर है तो यहाँ पे ए फाइव आ गया, तो ऐसे नहीं हुआ कि ए फोर में हमने कैपिटल ए फोर था इसकी जो वैल्यू थी उसमें हमने वन ऐड कर दिया, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ए फोर जो है वो फोर्थ टर्म है और ए फाइव फिफ्थ टर्म है, वो कुछ भी हो सकती है। जैसे ज्योमेट्रिक सीक्वेंस जो है उसको हमने देखा, यहाँ पे टू था, यहाँ पे फोर, यहाँ पे एट बन गया, यहाँ पे सिक्सटीन, तो एट से सिक्सटीन वन ऐड करके नहीं बना, या सिक्सटीन से थर्टी टू जो बनेगा वो वन ऐड करके नहीं बनेगा, वो तो टू से मल्टीप्लाई करके बन रहा था। तो यहाँ पे ये बात याद रखनी है कि ए विद इंडेक्स एन प्लस वन इज नॉट इक्वल टू ए एन प्लस वन। अब टू सो वन, ये हमारे पास एक सीक्वेंस है ए, जो जो टर्म्स हैं मैंने उन सबको लिस्ट कर दिया यहाँ पर। अब इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग इस ये जो लफ्ज़ है हमें क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि हर अगली जो टर्म है वो इंक्रीज कर रही है, यानी हर अगली टर्म पिछली टर्म से बड़ी है। तो इसका मतलब है ए टू छोटा होगा ए थ्री से, फिर ए थ्री छोटा होगा ए फोर से, ए टू बड़ा होगा ए वन से, ए वन छोटा होगा ए टू से, फिर ए टू छोटा होगा ए थ्री से, ए फोर, एंड इसी तरह ए फोर छोटा होगा ए फाइव से। हर अगली टर्म इंक्रीज कर रही है अप टू सो ऑन। अगर हम ऐसे लिखते रहें तो ए एन जो है वो छोटा होगा ए एन प्लस वन से अप टू सो ऑन। अगर ये तरतीब मौजूद हो तो फिर हम कहते हैं कि हमारी जो सीक्वेंस है वो एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। अब सब कुछ अब चेक करने के बजाय हम जस्ट इन दो टर्म्स को चेक कर लेते हैं। हम ए एन को लेते हैं और ए एन प्लस वन को लेते हैं, क्योंकि ये जनरल टर्म्स हैं। अगर इनके दरमियान की रिलेशन मौजूद है तो हम कहेंगे कि सारी ही इसकी टर्म्स के दरमियान ये रिलेशन मौजूद है। अगर ए एन लेस देन आ जाता है ए एन प्लस वन के, देन हम कहेंगे कि हमारी सीक्वेंस इंक्रीजिंग है, और अगर ये लेस आर इक्वल आएगा फिर भी इंक्रीजिंग है। लेकिन इसके अंदर फिर दो कैटेगरीज बन जाती हैं, एक है जिसे हम बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, जिसके अंदर सिर्फ लेस देन इंक्रीजिंग, सिर्फ लेस देन का सिंबल मौजूद है। और अगर ये सिंबल मौजूद हो ए एन इज लेस आर इक्वल टू ए एन प्लस वन, तो उसे हम बोलेंगे मोनोटोनिकली, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग तो है, यानी अगली कोई भी टर्म इससे छोटी नहीं है, इससे बराबर हो सकती है या इससे बड़ी हो सकती है, ये हम कहेंगे छोटी नहीं है। और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के अंदर क्या होगा कि अगली हर टर्म इससे बड़ी ही होगी। तो ये हो गया इंक्रीजिंग सीक्वेंस, यानी हर अगली आने वाली जो टर्म है वो पिछली टर्म से बड़ी है, और उस और उसके लिए हम जस्ट इस रिलेशन को अगर हम प्रूव कर दें, या मोनोटोनिकल की इंक्रीजिंग की फॉर्म में हम इस रिलेशन को प्रूव कर दें, तो इसका मतलब होगा कि हमारी जो सीक्वेंस है वो इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। इसी तरह यही मेन यही कॉन्सेप्ट है डिक्रीजिंग सीक्वेंस का। डिक्रीजिंग के अंदर क्या होगा कि अगर ये टर्म्स हैं सीक्वेंस की, तो इनके रिलेशन के अंदर क्या होगा, ए वन उसके बाद जो टर्म आई वो डिक्रीज कर गई, तो ये बढ़ाया फिर ए टू से, फिर जो टर्म आई वो और डिक्रीज कर गई, जिसका मतलब ए टू बड़ा होगा ए थ्री से, ए फोर उससे भी छोटा होगा, ए फाइव उससे भी छोटा होगा, एंड सो ऑन। यहाँ पे ए एन आएगा तो ए एन जो है उससे जो अगली टर्म आएगी ए एन प्लस वन वो उससे भी छोटी होगी। अगर ये रिलेशन मौजूद हुआ फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और अगर ए एन इज ग्रेटर और इक्वल टू ए एन प्लस वन फॉर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, अगर ये रिलेशन मौजूद हुआ तो हम कहेंगे कि हमारी जो सीक्वेंस है वो डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो मेन रिजल्ट हमने जो प्रूव करना होगा वो ये प्रूव कर दें, और अगर इक्वलिटी वहाँ मौजूद है तो ए एन इज ग्रेटर और इक्वल टू ए एन प्लस वन, और इसको हम मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग कहेंगे, और इसको स्ट्रिक्टली जहाँ पे जस्ट ग्रेटर देन है वहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और जहाँ पे ये सिंबल मौजूद है ग्रेटर और इक्वल, तो उस वक्त हम कहेंगे कि ये हमारे पास मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। अब अगर हमारे पास कोई सीक्वेंस इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, तो जस्ट उसको जनरलाइजेशन आप समझ लें। तो जनरली किसी भी इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग सीक्वेंस को हम मोनोटोनिक सीक्वेंस बोल सकते हैं, मोनोटोनिक। मोनोटोनिक का मतलब क्या होगा, मोनोटोनिक का मतलब होगा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ये टर्म्स आपने बड़ी अच्छी तरह से याद रखनी है। मोनोटोनिक का मतलब होगा कि सीक्वेंस इंक्रीज करती है या डिक्रीज करती है।
उसके बाद बच्चों हमारे पास है बाउंडेड सीक्वेंस। मैं जस्ट आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ बाउंडेड सीक्वेंस। बाउंडेड सीक्वेंस के अंदर पहले दो कैटेगरीज हैं, एक है बाउंडेड बिलो प्लस बाउंडेड अबव, यानी बाउंडेड सीक्वेंस हम उसको बोलेंगे जो बाउंडेड बिलो भी होगी और बाउंडेड अबव भी होगी। अब बाउंडेड बिलो कौन सी सीक्वेंस है? एक ऐसी सीक्वेंस जिसके लिए हमें कोई ऐसा नंबर मिल जाए जो उसकी सारी टर्म से छोटा हो। सारी टर्म से छोटा अगर कोई नंबर मिल जाए, जैसे मैं आपको यहाँ एग्जाम्पल देता हूँ कि अगर हमारे पास एक सीक्वेंस है 2 की पावर n, वेयर n गोज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। अगर आप इसकी टर्म्स लिख के देखें तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 0 से शुरू, अगर 2 की पावर 0 1 आ जाएगा, उसके बाद 2 की पावर 1 तो 2 आ जाएगा, 2 की पावर 3 करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 2 की पावर 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा, 2 की पावर 3 करेंगे तो 8 आ जाएगा, 16 आ जाएगा, एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। अब ये सीक्वेंस बाउंडेड अबव तो नहीं है, इसके ऊपर कोई ऐसा नंबर मौजूद नहीं है जो इसको रोक ले, लेकिन नीचे इसके ऐसा नंबर, हमारे पास ऐसे नंबर बहुत सारे मौजूद हैं जो इसकी सारी टर्म से छोटे हैं। यानी यहां पे देखें, अगर हमारे 1 की बात करें तो 1 जो है इसकी सारी टर्म्स, जितनी भी टर्म्स हैं उनसे लेस आर इक्वल है, यानी हम ये कह सकते हैं 1 इज लेस आर इक्वल टू ए एन फॉर ऑल एन, जितने भी एन उन सब के लिए 1 लेस आर इक्वल है। तो इसका मतलब है इसी तरह 0 भी, 0 इज लेस आर इक्वल टू ए एन फॉर ऑल एन। अगर हम रियल नंबर लाइन के ऊपर देखें तो ये जो सीक्वेंस है ये तो शुरू हो रही है यहां से, यहां पे 0, यहां से शुरू हो रही है सीक्वेंस, तो यहां से ये सीक्वेंस आगे जा रही है। तो इस तरफ जितने भी नंबर होंगे, -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, जितने भी नंबर हैं ये सारे के सारे इसकी सारी टर्म से छोटे हैं। अब ये सारे के सारे नंबर्स कहलाएंगे इसकी लोअर बाउंड्स, और ये जो सीक्वेंस होगी ये बाउंडेड बिलो होगी। नीचे की तरफ से ये बाउंडेड है, हमारे पास ऐसे नंबर मौजूद हैं जो इसकी सारी टर्म से छोटे हैं, जितनी भी टर्म्स इसके अंदर मौजूद हैं सब में सबसे छोटे। इसी तरह आप कोई सीक्वेंस लेते हैं जैसे -n² अब -n² एक सीक्वेंस है, इसकी जो टर्म्स होंगी अगर हम इसको लें n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी तो 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। माइनस तो बाहर है स्केयर के, माइनस तो स्केयर के अंदर नहीं है। उसके बाद -2 रखेंगे तो 2 का स्केयर 4 आ जाएगा, 3 रखेंगे 3 का स्केयर -9 आ जाएगा। ये तो n की जगह पर रखना है, माइनस तो बाहर है, इसी तरह -16 आ जाएगा, एंड सो ऑन। अब इसकी जितनी भी टर्म्स हैं इनकी लोअर बाउंड नहीं है, अगर आप इसको रियल नंबर लाइन पे देखें तो यहाँ पे इसकी टर्म्स है ये -1, ये -4 कहीं आएगा, आगे यहाँ पे -9 आएगा, आगे -16, तो लोअर बाउंड इसकी कोई नहीं है, ये तो अप टू -∞ जा रही है सीक्वेंस। ऐसा नंबर नहीं है जो नीचे की तरफ से इसको लोअर साइड से इसको रोक दे, ऐसा नंबर हमारे पास कोई नहीं है, ऐसे नंबर को हम कहते हैं लोअर बाउंड। लेकिन ऊपर की तरफ हमारे पास ऐसे बहुत सारे नंबर मौजूद हैं जो इसको आगे बढ़ने से रोक देते हैं, जैसे -1, -1 खुद एक ऐसा नंबर है जिसने इस सीक्वेंस को रोक दिया आगे जाने से। इसी तरह 0, 0 भी इसका अपर बाउंड है, तो ये चूंकि ऊपर की तरफ से इसको रोक रहा है तो इसको हम अपर बाउंड बोलेंगे। 0 इसका अपर बाउंड है, 1 इसका अपर बाउंड है, 1 चूंकि इसके सारे नंबर जितने भी इसके अंदर मौजूद हैं उन सब से ग्रेटर है तो इसलिए हम इसको बोलेंगे ये इसकी अपर बाउंड है। 2 भी इसके अपर बाउंड है, 3 भी इसके अपर बाउंड है, तो ये इसके अपर बाउंड है, और ये जो हमारे पास सीक्वेंस है ये बाउंडेड अबव है, बाउंडेड बिलो नहीं है, इसलिए हम इसको खाली बाउंडेड सीक्वेंस नहीं बोल सकते, जस्ट ये बोल सकते हैं कि बाउंडेड अबव है। जो पहले मैंने आपको एग्जाम्पल दी उसको हम बोल सकते हैं बाउंडेड बिलो, खाली बाउंडेड नहीं बोल सकते उसको। हाँ, ऐसी सीक्वेंस जो बाउंडेड बिलो भी हो बाउंडेड अबव भी हो उसको हम बाउंडेड सीक्वेंस बोल सकते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं बाउंडेड सीक्वेंस की, एग्जाम्पल ऑफ बाउंडेड सीक्वेंस, ये हमारे पास एक सीक्वेंस है 1 ओवर n। अगर इसकी टर्म्स को आप लिस्ट करें, n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, चले जाएं आप इसकी टर्म्स को लिस्ट करें तो n की जगह 1 रखेंगे तो 1 आ जाएगा, n की जगह 2 रखेंगे तो 1/2 आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा, उसके बाद आपके पास 1/4, 1/5, अप टू सो ऑन। अगर आप इसकी सारी टर्म्स को ध्यान से देखें, एनालाइज करें तो आपको पता चलेगा कि ये सारी टर्म्स 0 और 1 के दरमियान लाई कर रही हैं। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे आपके पास 1/2 है,
यहाँ पे आपके पास 1 ओवर 2 है, इसके बाद यहाँ पे आपके पास 1 ओवर 3 आ जाएगा, यहाँ पे 1 ओवर 4, 1 ओवर 5, यहाँ पे कहीं 1 ओवर 3 आ जाएगा, यहाँ पे 1 ओवर 4 आ जाएगा, यहाँ पे 1 ओवर 5 आ जाएगा, और ये 0 के करीब होती जा रही है, लेकिन ये कभी भी 0 को क्रॉस नहीं करेंगी। तो 0 इसकी लोअर बाउंड है और 1 इसकी अपर बाउंड है, 1 से हर बड़ा नंबर इसकी अपर बाउंड है और 0 इसकी लोअर बाउंड। तो इसका मतलब है इसकी लोअर बाउंड्स में मौजूद है, 0 से और 0 से छोटे जितने भी नंबर हैं सारे के सारे इसकी लोअर बाउंड्स के अंदर शामिल हैं, -1, -2, अप टू सो ऑन, लेकिन 0 सबसे बड़ी लोअर बाउंड है और 1 सबसे छोटी लोअर बाउंड है, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन, ये सारे के सारे इसकी अपर बाउंड्स हैं और 1 सबसे छोटी अपर बाउंड है। तो इसका मतलब जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको वो ये है कि ये ऐसी सीक्वेंस है जिसकी लोअर बाउंड भी मौजूद है, जो बाउंडेड बिलो भी है, बाउंडेड अबव भी है। तो ऐसी सीक्वेंस को हम बोलेंगे बाउंडेड सीक्वेंस। मैं यहाँ पर चीज़ों को डिफाइन नहीं कर रहा, जस्ट आपको समझा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, डेफिनेशन आपको बहुत जगहों पर इनको मिल जाएंगी। यहाँ पर हम जिस बुक को फॉलो कर रहे हैं उसको भी आप ध्यान में रखें, कैलकुलस 2, यहाँ पर आपको इसकी डेफिनेशन भी मिल जाएंगी, कैलकुलस 2 बाई पॉल डॉकिंस, ये बुक है जिसको हम यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। आप इसको देखेंगे, इसका सीक्वेंस एंड सीरीज का जो चैप्टर है वो भी आप रीड कीजिएगा, वहाँ पे आपको बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे, इसकी सारी डेफिनेशन मिल जाएंगी, वो भी आप लोग, आपको टाइम मिले तो वो भी रीड कर लेना। लेकिन लेक्चर्स आपको कॉन्सेप्ट दे देंगे, इसको ध्यान से सुने। अच्छा, उसके बाद बच्चों हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। फर्ज करें हमारे पास एक, मैं अभी एक और इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, माइनस एन स्क्वायर। अभी जो माइनस एन स्केयर है क्या ये बाउंडेड है? तो हमने पहले देख लिया कि ये बाउंडेड अबव तो है, बाउंडेड ये जो हमारे पास सीक्वेंस है ये बाउंडेड अबव है, बाउंडेड बिलो नहीं है, बाउंडेड बिलो नहीं है। अच्छा, ये कौन सी सीक्वेंस है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है? चलिए इसको देखते हैं। इसकी जो nth टर्म है हमारे पास वो क्या है, nth टर्म यहाँ पे है माइनस एन स्केयर। अच्छा, कोई भी नेचुरल नंबर ले लें आप, तो उसके लिए आपको ये बात पता है कि अगर हम उसका स्केयर करेंगे, n स्केयर करें और उसमें एक ऐड एक नंबर ऐड करके n प्लस 1 का स्केयर करें तो कौन सा नंबर बड़ा होगा। जैसे एग्जांपल दे देता हूँ, एक नंबर n आपके पास 2 है, 2 में 1 ऐड करें तो 3 आएगा, तो यहाँ पे 3 लिख दिया, इसका स्केयर भी कर दिया और इसका भी स्केयर कर दिया, तो किसकी वैल्यू ज़्यादा बड़ी आएगी, n प्लस 1 की। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 का स्केयर इज लेस देन 3 का स्केयर। इसका मतलब है इनके दरमियान भी यही रिलेशन होगा, n स्केयर इज लेस देन n प्लस 1 का होल स्केयर। अगर आप कोई भी नेचुरल नंबर लेते हैं तो इसके दरमियान ये रिलेशन मौजूद होगा, कोई भी होल नंबर ले लें फिर भी ये रिलेशन मौजूद होगा। अच्छा, उसके बाद अगर हम दोनों तरफ माइनस से नेगेटिव से माइनस वन से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो माइनस वन से मल्टीप्लाई करने से ये क्या होगा, माइनस एन स्केयर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, माइनस एन प्लस वन का होल स्केयर। और आपको पता है इनइक्वालिटीज के अंदर अगर किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो सिंबल ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होता है, तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन। तो माइनस एन स्केयर इज ग्रेटर देन माइनस एन प्लस वन का होल स्केयर। अब ये ए एन है तो ए एन प्लस वन, एन प्लस वन टर्म वो क्या होगी, एन की जगह एन प्लस वन रखने से माइनस एन प्लस वन का होल स्केयर। अब बच्चों जब ये हमारे पास ए एन है, ये हमारे पास ए एन है इज ग्रेटर देन और ये हमारे पास क्या है ए एन प्लस वन, एन प्लस वन। अब देखें हम जब आगे की तरफ मूव किए हैं एन और एन प्लस वन तो टर्म क्या हो गई है, छोटी हो गई है। इसका मतलब है कि ये हमारे पास एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है और डिक्रीजिंग भी कौन सी, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग सीक्वेंस। ये आपने इसके बारे में इन चीजों को आपने याद रखना है। इसी तरह और अगर आप इसकी कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस की बात करें तो आप इस पर लिमिट लगा के देखें, ए जो इसकी nth टर्म है उस पर लिमिट लगा के देखें, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी माइनस एन स्केयर, तो माइनस को तो बाहर निकाल सकते हैं, एन स्केयर इस पर जब लिमिट लगाएंगे तो ये तो इन्फिनिटी आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी, तो ये हमारे पास कोई फाइनाइट और यूनिक नंबर नहीं है, सो इट इज डाइवर्जेंट, ये हमारे पास एक डाइवर्जेंट सीक्वेंस भी है। अच्छा, एक और सीक्वेंस को हम देखते हैं, बड़ी वेल नोन सीक्वेंस है, माइनस वन की पावर एन प्लस वन। अच्छा, माइनस वन की पावर एन प्लस वन, इसकी जितनी भी टर्म्स होंगी अगर हमको लिस्ट करके देखें, एन की जगह वन रखें पहले तो माइनस वन का स्केयर हो जाएगा तो वन आ जाएगा,
वन माइनस वन, वन माइनस वन, वन माइनस वन, अप टू सो ऑन। जितनी भी टर्म्स हैं वो सारी की सारी वन और माइनस वन है, इसका मतलब है माइनस वन से छोटी कोई टर्म नहीं। तो माइनस वन सबसे छोटी टर्म है, और माइनस वन से सारे छोटे जितने भी नंबर होंगे वो सारे के सारे इसके लोअर बाउंड्स होंगे, यानी सारी टर्म्स तो पड़ी हुई यहाँ पे या यहाँ पे पड़ी हुई हैं। तो ये वन खुद भी इसके अपर बाउंड है, इससे ऊपर कोई नंबर नहीं है, यानी वन से बड़ा इसके अंदर कोई नंबर नहीं है, माइनस वन से छोटा कोई नंबर नहीं है। तो इसका मतलब है ये जो सीक्वेंस है हमारे पास ये तो बाउंडेड है, अपर बाउंड भी इसकी मौजूद है, लोअर बाउंड भी है, तो बाउंडेड बिलो भी हुई, बाउंडेड अबव भी हुई। इसका मतलब है ऐसी सीक्वेंस जो बाउंडेड बिलो भी हो, बाउंडेड अबव भी हो, वो बाउंडेड सीक्वेंस होती है। इसकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस पे हम पहले बात कर चुके हैं कि अगर हम इसकी लिमिट लेंगे, और इसकी जो कन्वर्जेंस है और डाइवर्जेंस पे हम बात कर चुके हैं, अगर हम इसकी लिमिट लेंगे तो वो ऑसिलेट करना शुरू कर देगी माइनस वन वन के दरमियान। इसका मतलब है यूनिक नंबर आंसर नहीं आ रहा लिमिट का, तो ये डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। और चूंकि हम इसके बारे में अगली टर्म के बारे में कभी डिक्रीज कभी इंक्रीज, तो ये ऑसिलेटिंग सीक्वेंस है, ना ये डिक्रीजिंग है ना ये इंक्रीजिंग है। अच्छा एक और सीक्वेंस की एग्जांपल लेते हैं बच्चों। हमारे पास एक सीक्वेंस है 2 over n² और यहाँ पे आपने एक चीज़ को बहुत अच्छी तरह नोट करना है कि हम अभी सारी बात सीक्वेंसिस पे कर रहे हैं, अभी हमने सीरीज़ की डिस्कशन शुरू नहीं की। n इज इक्वल टू 5 to infinity, यहाँ पे जो n की वैल्यू 5 से शुरू हो रही है अप टू इन्फिनिटी जाएगी। अब अगर आप यहाँ पे n की जगह 5 रखें तो 2 over 5² 25, तो ऊपर नंबर छोटा है नीचे बड़ा है, इसका मतलब है ये नंबर 1 से छोटा होगा, और इसके बाद चूंकि जितने भी नंबर आएंगे वो सारे 5 से बड़े आपने रखने हैं यहाँ पे, तो 2 over 6² 2 over 36 आ जाएगा, वो भी 1 से छोटा होगा। 2 over 7² 2 over 49 आ जाएगा, वो भी 1 से छोटा होगा। जितने भी नंबर यहाँ पे इस सीक्वेंस के अंदर आएंगे, यानी इस सीक्वेंस के अंदर जो पहला नंबर होगा वो होगा 2 over 25, फिर 2 over 36, फिर 2 over 49, फिर 2 over up to 64, अप टू सो ऑन। जितने भी नंबर यहाँ पे आ रहे हैं वो सारे के सारे 1 से छोटे हैं, इसका मतलब है इसकी अपर बाउंड हमारे पास मौजूद है, इसकी अपर बाउंड हमारे पास मौजूद है। और अपर बाउंड क्या है इसकी, यहाँ पे 1 मौजूद है। जितने भी नंबर यहाँ पे आ रहे हैं इसके अंदर जितनी भी टर्म्स आ रही हैं वो सारी की सारी यहाँ पे मौजूद हैं, 1 से छोटी हैं। लेकिन एक बात आप लोग जरा इसको गौर करें कि आप एन जो मर्जी रख लें, ये कभी भी 0 को क्रॉस नहीं कर सकती, इसकी जितनी भी टर्म्स हैं वो 0 को क्रॉस करके नेगेटिव नहीं हो सकती। आप एन कुछ भी रख लें, जब उसका स्केयर करेंगे डिवाइड करेंगे तो 0 से बड़ा ही कोई नंबर आएगा। तो इसका मतलब है जितनी भी टर्म्स हैं वो 1 से तो छोटी हैं लेकिन 0 से बड़ी हैं, 0 से बड़ी हैं। तो इसका मतलब है 0 इसकी सारी टर्म्स से छोटा नंबर है, तो इसका मतलब है 0 इसका लोअर बाउंड है और 1 इसका अपर बाउंड है। तो हमें चूंकि इस सीक्वेंस के लिए लोअर बाउंड भी मिल गया अपर बाउंड भी मिल गया, तो इसका मतलब है कि ये आपके पास एक बाउंडेड सीक्वेंस है। अच्छा बाउंडेड की बात होगी, उसके बाद इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात करें। देखें अगर हमारे पास 1 over n² हो, ये हमारे पास एक नंबर है, अगर हम डिनोमिनेटर में इंक्रीज कर दें, डिनोमिनेटर में नंबर इंक्रीज करें, तो आपको पता है नंबर छोटा हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखें अगर हमारे पास 1 over 2 है, इधर 1 over 4 है, 2 का स्केयर कर दिया 1 over 4, कौन छोटा होगा? डिनोमिनेटर में जो बड़ा नंबर है उसका आंसर छोटा आता है। आपको पता है इसका आंसर क्या आएगा 0.5, इसका आंसर क्या आएगा 0.25, तो ये बड़ा है। तो अगर डिनोमिनेटर में वैल्यू बड़ी हो जाए तो नंबर छोटा हो जाता है। ये 2 था, डिनोमिनेटर में नंबर 4 हो गया तो ये नंबर छोटा हो गया। इसी तरह अगर यहाँ पे 1 over n² है, अगर यहाँ पे n स्केयर की जगह हम n+1 का स्केयर कर देते हैं, तो अब कौन छोटा हो जाएगा? ये वाला जो नंबर है ये छोटा हो जाएगा इससे। तो अब ये हमारे पास बच्चों इसका an है इस ग्रेटर देन, और ये हमारे पास an+1 है। तो चूंकि अगली टर्म जो है वो छोटी है, हर आने वाली अगली टर्म जो हमारे पास आएगी सीक्वेंस के अंदर वो छोटी होगी, इसका मतलब है कि ये हमारे पास एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। दूसरी बात ये हो गई। उसके बाद इसकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस में बात करें, तो यहाँ पे हमारे पास इसकी एंथ टर्म मौजूद है 2 over n², तो इस पर लिमिट लगाएंगे, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, an इज इक्वल टू लिमिट
एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी टू ओवर एन स्केयर, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? ऊपर आपके पास रियल नंबर टू मौजूद है, नीचे एन की पावर पी पॉजिटिव रैशनल नंबर, इसका मतलब है जीरो आ जाएगा, और एक फाइनाइट और यूनिक नंबर मिल रहा है, इसका मतलब है ये हमारे पास एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, ये तीनों बातें इसके अंदर मौजूद है। अच्छा, यहाँ पे आपको ये एग्जाम्पल तो मिल गई, यहाँ पे एक थ्योरम आप लोग जरूर याद रखिएगा, और उस थ्योरम का नाम है मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम। थ्योरम ये कहता है इफ ए एन इज बाउंडेड एंड मोनोटोनिक, अगर हमारे पास जो सीक्वेंस है वो बाउंडेड हो, बाउंडेड का मतलब है बाउंडेड अबव भी हो और बाउंडेड बिलो भी हो, और मोनोटोनिक हो, मोनोटोनिक या इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, देन देन द सीक्वेंस ए एन इज कन्वर्जेंट। यानी ये दो बातें हमें गारंटी कर देंगी कि हमारी सीक्वेंस कन्वर्ज करती है। ये थ्योरम आपके पास बच्चों, ये मैंने लिख दिया है, आपने अच्छी तरह से इसको ध्यान में रखना है कि अगर हमारे पास कोई ऐसी सीक्वेंस है जो बाउंडेड भी है, यानी बाउंडेड बिलो भी और बाउंडेड अबव भी, तब वो बाउंडेड होगी, और मोनोटोनिक है, मोनोटोनिक के लिए या इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, एक चीज़ होना ज़रूरी है, देन हम ये बात कह सकेंगे कि हमारी जो सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट है। यानी अगर हमने किसी सीक्वेंस को प्रूव करना हो इस थ्योरम के जरिए कि वो कन्वर्जेंट है, तो हम उसको बाउंडेड और मोनोटोनिक प्रूव कर दें, तो ये बात प्रूव हो जाएगी इस थ्योरम के जरिए कि हमारी जो सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट है। नेक्स्ट लेक्चर से बच्चों हम सीरीज का टॉपिक शुरू करेंगे, उसके टेस्ट पढ़ेंगे और फिर उसकी बहुत सारी एग्जाम्पल्स देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।